everyone, myself Dr. Mandakini, M&M Hospital, Hajipur and Mahua, Bihar. यह वीडियो कंटिन्यूएशन वीडियो है कंट्रासेप्टिव सीरीज का. फर्स्ट वीडियो में हमने बात किया था नेचुरल एंड सिंपल मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन. आज हम बात करेंगे मिथ्स अबाउट कंट्रासेप्शन. हमारे सोसाइटी में कुछ गलत धारणाएं हैं, लोगों को लगता है कि ऐसा करने से उनको बच्चा नहीं ठहरेगा और वो फिर कंसीव करते हैं और फिर उनको या तो अबॉर्शन कराना पड़ता है या तो फिर उनको अनवांटेड प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना पड़ता है. तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, सेफ पीरियड के दौरान एडिशनल मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन यूज करना चाहिए कि नहीं? तो बिल्कुल हाँ, आपको सेफ पीरियड के दौरान भी एडिशनल मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन यूज करना चाहिए, क्योंकि सेफ पीरियड, अगर आपका साइकिल इररेगुलर है, पीसीओडी पेशेंट है, तो आपका कोई ओवुलेशन का फिक्स टाइमिंग नहीं है, या तो कभी पहले होगा या तो कभी बाद होगा. इसीलिए सेफ पीरियड के दौरान भी आपको बैरियर कंट्रासेप्शन यूज करना चाहिए. मैं पीसीओडी की पेशेंट हूँ, क्या मुझे अभी बच्चा नहीं चाहिए, तो क्या मुझे एडिशनल मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन यूज करना है या नहीं? तो अगर आप पीसीओडी की पेशेंट हैं, तो पीसीओडी में क्या होता है कि अनओवुलेटरी साइकिल में पेशेंट चली जाती है, पेशेंट का ओवुलेशन नहीं होता है. इसके कारण कभी या तो पीरियड 15 दिन पे आ रहा है या तो ढाई महीने पे आ रहा है, तो इस कंडीशन में उनको बच्चा ठहरने में परेशानी होती है. इस तरह के पेशेंट हमारे पास इनफर्टिलिटी का कंप्लेन लेकर आते हैं कि मुझे बच्चा चाहिए, शादी का 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, फिर भी मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ. लेकिन ऐसे कपल जिनको बच्चा अभी नहीं चाहिए, या तो अभी उनका प्लानिंग है कि या तो वो अनमैरिड कपल हो सकते हैं और उनको बच्चा नहीं चाहिए, पीसीओडी के पेशेंट है और उन्होंने कोई कंट्रासेप्टिव मेथड इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि उनका पीसीओडी का प्रॉब्लम है और उसी में साथ रहने के बाद उनको बच्चा कंसीव हो जाता है, क्योंकि कब ओवुलेशन हो जाएगा ये नहीं पता. सेक्स ड्यूरिंग पीरियड, पीरियड के दौरान सेक्स करने से आप प्रेग्नेंट होने का चांसेस बहुत ही कम होता है, लेकिन अगर आपका साइकिल बहुत ही शॉर्ट है तो आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं. इसलिए आपको एडिशनल मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन यानी बैरियर यूज करना है. अगर मैंने जैसे पहले डिस्कस किया हुआ है फर्स्ट वीडियो में कि आपका स्पर्म का जो लाइफ स्पैन होता है वो 5 डे तक जाता है, आप डे 3 पे पीरियड के दौरान में आपने सेक्स किया तो 8वां 9वां दिन ओवुलेशन हो रहा है तो आप कंसीव कर सकती हैं. क्वाइटस इंटरप्टस में भी एडिशनल मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन यूज करना है. क्वाइटस इंटरप्टस का मतलब होता है कि जो पानी निकल रहा है वो महिला के जेनिटेलिया से बाहर निकालना है, निकालते हैं. तो उस कंडीशन में भी कभी कभी प्री इजैकुलेटरी, यानी कि जो पानी निकलने के पहले भी थोड़ा थोड़ा पानी लीक होता है और जिसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ स्पर्म भी होते हैं, और वो स्पर्म प्रेग्नेंट होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. तो उस कंडीशन में अगर आप बैरियर यूज करते हैं तो आपके प्रेगनेंसी का चांसेस नहीं रहेगा. वॉशिंग वजाइना एंड यूरिनेशन जस्ट आफ्टर क्वाइटस, ये तो एक बहुत बड़ा मिथ है. बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि इंटरकोर्स के जस्ट बाद यूरिन पास करते हैं और फीमेल अपने जेनिटेलिया को वॉश करती है तो उनको बच्चा नहीं ठहरेगा. ऐसा बिल्कुल नहीं होता है. यूरिन पास करना एक अलग सिस्टम है, और जहां तक बात करें तो जो सीमेन है वो तो वॉश करने पे आएगा, लेकिन जो स्पर्म है जो कि हाईली मोटाइल होता है और जब उस पर आप फोर्सफुली वाटर डाल रहे हैं तो वो और स्पीड से यूट्रस की तरफ जाएगा. तो ऐसा ये ऐसा एकदम बहुत बड़ा मिथ है. लैक्टेशनल एमिनोरिया मेथड, यानी कि जस्ट डिलीवरी के बाद जो माँ अपने बच्चे को सिर्फ और सिर्फ अपना दूध पिलाती है उनमें ओवुलेशन 6 महीना तक नहीं होता है, और इस बीच में उनके कंसीव करने का चांसेस बहुत ही कम होता है. लेकिन इसमें भी बहुत सारे डिसिप्लिन की जरूरत है. आपको अपने बच्चे को ऑन डिमांड फ्रीक्वेंट फीड कराना है. कभी कभी पेशेंट क्या करते हैं कि मिक्स फीडिंग कराते हैं, मेरा बच्चा का पेट नहीं भर रहा है तो वो बॉटल फीड ऐड करते हैं, या फिर नाइट में फीड कम कराते हैं, जिसके कारण उनका कब ओवुलेशन स्टार्ट हो जाएगा और फिर वो कंसीव कर जाती है. इसीलिए अगर लैम्प भी है, आप अपने बच्चे को अपना दूध पिला रही है जस्ट आफ्टर डिलीवरी, आपको महीना नहीं आ रहा है, फिर भी आपको कोई ना कोई कंट्रासेप्टिव मेथड्स को यूज करना है. दूसरा क्वेश्चन है कि मुझे तो पीरियड आया नहीं तो फिर मैं कैसे गर्भवती हो सकती हूँ. तो ऐसा बहुत ही कॉमनली देखा गया है, लोगों को ऐसा लगता है कि पीरियड आएगा तो फिर हम सोचेंगे कि मुझे क्या कंट्रासेप्टिव यूज करना है. अभी तो पीरियड आया नहीं है तो कोई डर नहीं है, वो हस्बैंड के साथ रहती है और उस बीच में वो कंसीव करती है. यही बात होती है अबॉर्शन के बाद. हम लोग अबॉर्शन करके उनको कुछ ना कुछ कंट्रासेप्टिव देकर भेजते हैं, लेकिन वो अगर वो ठीक से दवा नहीं ले रही है या बैरियर मेथड यूज नहीं कर रही है तो उसमें वो कंसीव करती है, और जब हमारे पास आती है
तो उनका कंप्लेन होता है कि अभी तक तो मेरा पीरियड ही नहीं आया, अबॉर्शन हुए हुए 2.5 महीना हो चुका है। तो फिर हम उसमें यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखते हैं तो उनका पॉजिटिव आता है, तो वो बहुत सरप्राइज होती हैं कि मेरा तो पीरियड भी नहीं आया और फिर मैं कैसे प्रेग्नेंट हो गई। तो बिना पीरियड आए आपका ओवोल्यूशन तो हो ही रहा है, उस बीच में आप पति के साथ रह रही हैं तो आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं, इसलिए बिना पीरियड आए भी आपको बच्चा ठहर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओल्डर पीपल को कंट्रासेप्शन का जरूरत नहीं होता है, तो ये तो सही है कि एक एज बढ़ने के साथ साथ फर्टिलिटी घटता है लेकिन बिल्कुल खत्म नहीं होता है, तो एक एज के बाद उनको बच्चा नहीं चाहिए, वो कंट्रासेप्शन यूज नहीं कर रहे हैं, और सरप्राइजिंगली वो अगर पॉजिटिव, उनका प्रेगनेंसी पॉजिटिव होता है, वो कंसीव कर जाते हैं, तो फिर उनके लिए एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन होता है, इसलिए ओल्डर पीपल को भी कंट्रासेप्टिव यूज करना है। सेक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी, एक तो आप प्रेग्नेंट है तो फिर प्रेग्नेंट होने का क्या डर, बट हाँ प्रेगनेंसी में कुछ मेडिकल रिलेटेड कुछ परेशानियां होती हैं जिसमें आपको अगर अपने डॉक्टर से सलाह लेके ही अपने पार्टनर के साथ रहना है। बर्थ कंट्रोल गैप, कभी कभी पेशेंट कपल्स आते हैं और कहते हैं कि मैंने तो 5 ईयर का कॉपर्टी लगवाया है तो अब मुझे कम से कम 2 से 3 महीना का गैप चाहिए, फिर हम सोचेंगे कि हमको नेक्स्ट मेथड क्या यूज करना है, तो ये बिल्कुल ही सही नहीं है। जब हम लोग एक मेथड को विड्रॉ करते हैं उसी समय हम लोग उसके पहले डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट आपका क्या उपाय होगा। अगर आप कॉपर्टी निकलवा रहे हैं तो इसके बाद आप क्या प्रेफर करेंगे, गोली प्रेफर करेंगे या फिर आप ऑपरेशन प्रेफर करेंगे, तो जो भी है आपको गैप नहीं लेना है, नहीं तो फिर उस गैप में आप फिर कंसीव कर जाएंगे। ओसीपी कॉज इनफर्टिलिटी, ओसीपी का मतलब होता है ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, यानी कि गर्भ निरोधक दवाई, तो यह इनफर्टिलिटी तो बिल्कुल भी नहीं कराता है। आप जैसे ही ओसीपी छोड़ेंगे आपका नेक्स्ट मंथ में ही आपका कंसीव करने का जो कैपेसिटी होता है वो पूरी तरह वापस आ जाता है। कॉपर्टी मिथ्स, कॉपर्टी के बारे में हमारे सोसाइटी में बहुत सारे मिथ्स हैं और कॉपर्टी के लिए पेशेंट को हम लोग को कन्विंस करना पड़ता है कि कॉपर्टी इतना अच्छा है, इसके बहुत ही कम साइड इफेक्ट है, ये नॉन हार्मोनल होता है। हार्मोनल कॉपर्टी हम लोग लगाते हैं अगर पेशेंट को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग का कंप्लेन है उस कंडीशन में। नॉर्मली एज अ कंट्रासेप्शन हम लोग जो यूज करते हैं वो कॉपर्टी नॉन हार्मोनल होता है, इसलिए कॉपर्टी के साथ ना वेट गेन होगा ना मूड स्विंग होगा, और कॉपर्टी में जो टाइम पीरियड होता है वो बहुत लॉन्ग इंटरवल का होता है, जैसे 5 साल 10 साल 3 साल, तो उस कंडीशन में आपका कॉपर्टी का भले ही लाइफ स्पैन 5 ईयर है लेकिन आपको अगर 2 साल के बाद ही जरूरत है कि हमको कंसीव करना है, हमको बच्चा चाहिए, तो आप उस समय उसको निकलवा सकते हैं और उसके बाद आपका फर्टिलिटी रिटर्न हो जाता है। मिथ्स अबाउट वैसेक्टोमी, वैसेक्टोमी का मतलब जो हम लोग परमानेंट मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन जो होता है यानी कि ऑपरेशन, फीमेल में जो हम लोग ऑपरेशन करते हैं वो ट्यूबल लाइगेशन होता है और मेल में जो ऑपरेशन होता है उसको हम लोग कहते हैं वैसेक्टोमी। तो वैसेक्टोमी हमारा जो सोसाइटी है वो थोड़ा मेल डोमिनेंट है, इसलिए हमारे यहाँ जो बंध्याकरण का ऑपरेशन फीमेल ज्यादा कराती है, लेकिन अगर देखा जाए तो वैसेक्टोमी और भी ज्यादा सिंपल प्रोसीड्योर है, मैक्सिमम 10 to 15 मिनट टाइम लगता है, इसमें कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं होता और इसमें पेशेंट एक से आधे घंटे से 1 घंटे में अपने घर जा सकते हैं। तो ये सब मिथ्स अबाउट कंट्रासेप्शन था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे टैबलेट्स, कॉपर्टी और ऑपरेशन के बारे में। थैंक यू। आपके किसी भी क्वेरी के लिए आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं, मेरे नंबर डिस्प्ले पे दिया हुआ है।